हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पीपीटी अगस्ट में। तो दोस्तों, आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं डीपीएस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2023 की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी गई है जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर के लिए। तो दोस्तों, लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसमें बताया गया है नोटिस में कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ पर कब होगा और कितने स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट आ रही थी कि इसका रिजल्ट आया है, अब तक नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, कब तक आएगी। तो दोस्तों, आज की डेट में डीपीएस के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, लिस्ट आप कहाँ चेक करनी है, सभी चीज़ आपको ऑफिशियल दिखाई जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ आपको बताई जाएगी, कुछ आपके डाउट होंगे वो वीडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं उस लिंक पर जहाँ आपको ये लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डीपीएस डीआई की ऑफिशियल साइट को ओपन कर रखी है। इस साइट पर आने के लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको डिस्कबॉक्स में जाना होगा, डाटा पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा सो लिस्टेड कैंडिडेट योर लिस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कब आपका यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो लिस्ट यहाँ पर आपकी दे रखी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट द डीपीएस मुंबई 16 से लेके दोस्तों 18 तारीख तक आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कौन से स्टूडेंट यहाँ पर विजिट करेंगे, आपको यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। तो सिंपली इस लिस्ट को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड मैंने पहले से यहाँ पर के रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये लिस्ट हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों, लिस्ट ओपन के बाद होने के बाद देख सकते हैं सेल वाइज यहाँ पर नंबर वाइज दिए गए हैं, कितने पहले देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 195 यानी 65 पोस्ट के लिए 195 यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाइड हो चुके हैं स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा ऊपर। ये जो दोस्तों नंबर किस तरह आपको देखना है, आपको अपना नंबर चेक करना है रोल नंबर के माध्यम से, ऊपर से नीचे की ओर, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर दे रखा है, फिर 43 इस तरह पर रोल नंबर दिए गए हैं सिक्वेंस वाइज। अब ऊपर चीज़ें दी गई है जिसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें साफ साफ बताया गया है डायरेक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से स्टोर कीपर और 200 परचेज, जिस स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था वो क्वालिफाइड हो चुका है, उसकी लिस्ट में यहाँ पर नाम आ गया है। तो दोस्तों, उसके लिए बताया गया कि आपको दस्तावेज यहाँ पर देख सकते हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, उम्मीदवार का सूची में अपना नाम एक बार चेक कर लें और जो फुल डिटेल है आपको व्यक्तिगत तौर पर उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल आईडी पर पते के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। यानी आपका जो ईमेल आईडी अपने फॉर्म में फिल करी होगी उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, कहाँ आपको विजिट करना है सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या टाइमिंग होगी आपकी और दोस्तों क्या आपकी डेट होगी, कब आपको जाना होगा, डेट के अनुसार भी, यानी कि आपको डेट टाइम सेंटर और डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ें आपको मेल कर दी जाएगी डीआई की तरफ से। ठीक है दोस्तों, इन पे चीज़ें यही बता रखी है, आप नोटिस में यहाँ पर देख सकते हैं, उपलाइन में यहाँ पर दे रखी है। सीक्वेंस वाइज जैसे मैं आपको बताया था, सूची केवल रोल नंबर के क्रम के अनुसार भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आपका नाम है इसमें, आपके मेल चेक करते रहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, क्या टाइमिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपको सभी मेल कर दी जाएगी डीआई की तरफ से, डायरेक्ट एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आपको डायरेक्ट मेल आ जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास मेल आ गई है तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें जो आपको बताया गया है, जो जो जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, यानी आपकी हाई स्कूल 10+2 डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट आधार कार्ड जो भी आपका सर्टिफिकेट A to Z मांगे गए हैं डी ए की तरफ से वो आपने तैयार कर लें, फ़ोटो कॉपी लगा लें, जितनी आईडी प्रूफ मांगी गई हैं सभी वहाँ पे आपको तैयार कर लेनी है। तो आपको मेल कर दी जाएगी डी ए की तरफ से, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स माने गए हैं वो टाइम के अनुसार वहाँ पे पहुँच जाएँ, आपको जो सेंटर दिया जाएगा सेंटर के अनुसार वहाँ पर अपने पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, सेंटर जो आपका होगा, मान लीजिए मुंबई आपको जाना होगा तो मुंबई से फिर आप टिकट करा लीजिए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाने के लिए, मैंने 16 से लेकर 18 तक आपको यहाँ पर डेट दे रखी है। तो 16 जो भी 17-18 तीन दिन में आपको जब भी पहुँचना होगा रिपोर्टिंग टाइम, वहाँ पर रुकने का टाइम भी आपको मिल सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो जो उसको अपना पूरा प्रबंध करके जाएं और डॉक्यूमेंट आपके साथ में किसी साथ लेके जाएं, माता पिता को, जिससे आपको यहाँ पर सेफ्टी तौर पर आपके डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स कोई भी ना भूलें और फ़ोटो का बहुत जरूरी ध्यान रखें कि अपने फ़ोटो बनवा लें जो आपने फॉर्म में फिल किए थे, वो अपने फ़ोटो यहाँ पर बनवा के रख ले, कम से कम आपके पास फ़ोटो 5 से 10 भी फ़ोटो आपके होने चाहिए और फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स के आपके कम से कम 5-5 सेट दोस्तों आपके पास होने चाहिए, अगर जहाँ भी बोले वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देने हैं। तो
तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस आपको जो बताया गया है। इसके माध्यम से कोई समस्या आपको आती है कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों इसलिए आपको बनाई जाती है जिससे आपको अपडेट मिलती रहे, कोई समस्या आपको ना आए, और कोई समस्या आपको आती है कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, कोई आपको डाउट हो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एटीट्यूड आपको चीज़ें बता दी गई है, डॉक्यूमेंट्स आपके लेकर जाने हैं वो आपको मेल द्वारा बता दिया जाएगा, इसमें साफ साफ क्लियर लिख रखा है। दोस्तों मैं हेडलाइन कर देता हूँ, दोस्तों ये रही आपको जहाँ मैंने गोला किया हुआ है, व्यक्तिगत पत्र उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल आईडी माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अपनी ईमेल आईडी अपनी चेक करते रहें, किसी कारण से कुछ ऐसा होता है इनबॉक्स में मैसेज शो नहीं हो पाता है, तो दोस्तों एक ईमेल आईडी पर जीमेल पर एक सैम्प होता है दोस्तों, सैम्प लिखा होता है, उसमें अपना चेक करते रहें कि ईमेल आईडी पर आपका जो मैसेज आएगा वो सैम्प पे भी जा सकता है, ये जंक में भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों मेल आपका मेल करने जा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट के पास मेल आ गई है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और जाने की तैयारी करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए। तो दोस्तों अपने लिस्ट में अपने नाम चेक कर लें, एटीट्यूड आपको चीज़ें बता दी गई है, लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी गई है, ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ये रहा नोटिस, 3 तारीख में दोस्तों नोटिस आया हुआ है, ये आज की डेट में अपडेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मेरी दी गई जानकारी दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपसे अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी अपडेट देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।